माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का? भाई हम तो कमल में ही देंगे वोट। ऐसा क्यों भाई? उस हर साल उसी को देते हैं। आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, टक्कर तो देगी। कांग्रेस खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली है, तो टक्कर तो वो देगी। लेकिन बीजेपी के सामने मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में तो वो नहीं आएगी। ना होगा, लेकिन बीजेपी सरकार बनेगी। बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पे, आत्मविश्वास है? कार्यकर्ता है इसलिए बोल रहे हैं क्या? कार्यकर्ता नहीं, हम रिक्शे चलाते हैं। नमस्कार, मैं हूँ राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में, और यकीन मानिए यहाँ पर आने के लिए आपको जो देख सकते हैं ई रिक्शा, बैटरी रिक्शा है, उसी से ही आना पड़ेगा, वरना आप यहाँ पर पहुँच नहीं सकते। क्या हाल है? हाँ ठीक है सर। अच्छा हाँ, ये क्या आप जो है ये बीजेपी के जो है वो है, क्या कहता है इसको, कार्यकर्ता है ये तो, पटका है? हाँ पत्ता है। पटक देगा? हाँ पटक देगा। हाँ बटन दबेगा फूल पे? नहीं नहीं नहीं। हाँ अरे हम कह रहे हैं पटक देगा, पटका बोलते हैं, पटकने से पटक। हाँ तो आप क्या कार्यकर्ता हैं? हाँ हम ई रिक्शा चलाते हैं। अच्छा, तो खासा मोहब्बत है पार्टी से? आप बहुत पार्टी से मोहब्बत है। एमसीडी में क्या काम किया? एमसीडी में काम किया, जो किया करेंगे, बहुत करेंगे, जो किए हैं और करते जा रहे हैं और करेंगे पूरा देश के। अच्छा जी, तो एमसीडी में क्या लग रहा है? चुनाव तो 4 दिसंबर को होगा। चुनाव होगा लेकिन बीजेपी सरकार बनेगी। अरे बड़ा कॉन्फिडेंस है आपको अपने आप पे, आत्मविश्वास है? हाँ कार्यकर्ता है इसलिए बोल रहे हैं क्या? कार्यकर्ता नहीं, हम रिक्शे चलाते हैं, ई रिक्शा चलाते हैं। लोग बोलते हैं जी? अच्छा जी, ठीक है भैया, यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ हैं सब लोग? चले जा रहे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? शादरा के। शादरा के। तो क्या माहौल चल रहा है एमसीडी चुनाव का? भाई हम तो सिर्फ बीजेपी पार्टी को वोट देंगे। ऐसा क्यों भाई? भाई देश के लिए कर रही है बीजेपी पार्टी। अरे निगम में तो आपका झाड़ू साफ सफाई? झाड़ू कुछ नहीं करती भाई, झाड़ू कुछ नहीं करती, बेकार है। रोड पे कचरा पड़ा रहता, वो देखो वहीं से दिख जाएगा आपको भी। एमसीडी क्या काम करती है पता है आपको? भाई कचरा उठाती है। तो आपके इलाके से उठता है? नहीं। फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी? बीजेपी आएगी तो उठेगा भाई, झाड़ू की पार्टी में कुछ नहीं उठता। अच्छा अच्छा ठीक है, आइए आइए और लोगों से बातचीत करते हैं। सर आपका नाम क्या है? अतुल राय। अतुल जी आप यहीं के रहने वाले? जी हाँ। क्या कहेंगे सर, जो जो इलाके में लोग हैं वह, खासकर आप हैं, वह काम हो रहा है आपके इलाके में? ऐसा था, अभी आपने देखा होगा कि वहाँ पर क्या हालत थी इससे पहले, 2021 से पहले यहाँ पर कोशिशों के बाद यहाँ कूड़े को हटवाया गया, और इस समय जो खूबसूरत रूपरेखा दी गई है, ये प्रयास है बीजेपी जो कर रही है, इसी कारण ये वार्ड पे सबसे ज़्यादा जो आप देख रहे हैं खुशनुमा वातावरण बना है, वो बीजेपी के एफर्ट से ही बना है। तो कहने की बातें हैं, काम खूब हो रहा है, सिर्फ केजरीवाल की तरफ से काम नहीं हो रहा, ना उनको पैसा दिया जाता, ना फंड दिया जाता, उनको डिमोरलाइज किया जाता है, तो बीजेपी ही दोबारा आए। आप ये मानते हैं कि फंड रोका गया और इस वजह से विकास का काम प्रभावित हुआ, आपके इलाके का काम प्रभावित हुआ? लेकिन मैं सारे कर्मचारियों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि तनख्वाह ना मिलने के बावजूद भी उन्होंने खूब किया, उन्होंने जनता का पूरा ध्यान रखा, कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिससे जनता परेशान हो। फंड रोका गया, उन्होंने खुद आके कहा कि हमें तनख्वाह नहीं मिल रही दो दो तीन महीने की। अच्छा आइए आइए, क्या नाम आपका? नितिन। इधर आइए जरा, धूप में आइए। क्या नाम है? नितिन। अच्छा क्या करते हैं? गाड़ी चलाता हूँ। तो नितिन भाई माहौल क्या चल रहा है इलेक्शन का? भाई हम तो कमल में ही देंगे वोट। ऐसा क्यों भाई? उस हर साल उसी को देते हैं। तो आप दुनिया बताती नहीं, आप अपनी बता दी आप किसको वोट देने जा रहे हैं? कोई बताता नहीं है? हम बता दिए पहले भाई उसी ऐसा को। क्यों डंका पीट के कहें बोल रहे हैं? डंका पीट के बोलते हैं ऐसा ही। अच्छा आप बताइए, इलेक्शन आ रहा है, 4 दिसंबर को वोट डालेंगे, अमूमन कहा जा रहा है कि बीजेपी का शासन 15 साल था, अब आम आदमी पार्टी बहुत टक्कर दे रही है और लोग मैदान में हैं, आपके हिसाब से क्या माहौल चल रहा है? नहीं, जैसा आपने बोला आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है, टक्कर तो देगी। कांग्रेस खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी ने उसकी जगह ले ली है, तो टक्कर तो वो देगी। लेकिन बीजेपी के सामने मेरे ख्याल में नॉर्थ ईस्ट में तो वो नहीं आएगी। नॉर्थ ईस्ट में जितना काम जो हमारे पार्षदों ने किया है, खासतौर से अपना रितेश सूजी जो अभी खड़े हैं, वो नए लड़के हैं, नई जनरेशन के लड़के हैं और न्यू माइंडेड हैं, उन्हीं के
संघर्ष का ये नतीजा है जो आपने देखा यहाँ पे ये कूड़ा घर बना हुआ है। अच्छा, कूड़ा घर यहाँ पर बना हुआ है और साथ ही साथ अब जरा दाखिल होते हैं और कुछ लोगों का और रिएक्शन लेते हैं कि आखिर वो क्या चाहते हैं और इलेक्शन में किस तरह का मुद्दा रहता है। और ये देखिए बकरे वाले पहलवान, ये पहलवान साहब, ये पहलवान साहब कहाँ हैं? आप ही हैं, ये क्या है बकरे वाले पहलवान? पट्टी नहीं खोलनी, पानी नहीं लगाना, बहुत शिकायत करना, ये क्या है? कुछ कुछ खास है क्या? नहीं, छोट मोच वगैरह जो होती है उसके लिए। अच्छा जी जी, अभी जो दिल्ली नगर निगम में चल रहा है, चोट दिया है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं नहीं, काम किया है? काम किया है। क्या लगता है आपको इलेक्शन में बीजेपी आएगी? सभी बोल रहे हैं, आप भी वही बात बोल रहे हैं, कुछ नया बोलिए, डिफरेंट बोलिए। जो चीज आनी है वो तो आनी है ना। क्या आनी है? बीजेपी आनी है और कौन आना। आपको कैसे पता चल गया? अरे पता कैसे गया, काम बोलता है ना। अच्छा, बहुत मुस्कुरा रहे हैं, हमको तो लग रहा है कार्यकर्ता वगैरह हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। नहीं, मेरा स्टॉल है चाय का। अच्छा, तो आप तो फिर पूरे दुनिया की नब्ज रखते हैं। जी जी जी, बातें बातें लोग करते हैं तो माहौल क्या है? माहौल क्या क्या माहौल तो वही है बीजेपी का ही है। क्या काम हुआ इलाके में? नहीं, काम तो काफ़ी हुआ, काम क्यों नहीं हुआ, काम तो काफ़ी है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, आपके भी वही सब? हाँ जी। इलेक्शन में क्या चल रहा है माहौल? माहौल तो अभी देखो जी, बराबरी टक्कर है दोनों तरफ से। किस में टक्कर है? आप और बीजेपी, कांग्रेस का तो कोई अभी है ही नहीं कुछ भी, वो तो उड़ चुकी है यहाँ से। कांग्रेस उड़ गई? हाँ, अभी तो उड़ी हुई है। वजह क्या है कांग्रेस उड़ने का? कुछ नहीं, लोगों में अपने 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 ख्याल आते हैं भाई, उससे मेल नहीं खाया लोगों का, छोड़ दिया उसने। अब हो सकता है बीजेपी से मेल ना खाए लोगों को। जो वोट बैंक कांग्रेस का था वही अब आम आदमी पार्टी का है? हाँ, वही आम आदमी पार्टी ले गई ना। तो आपको क्या लगता है इस बार इलेक्शन में क्या होने जा रहा है? लोग तो बराबर के, अभी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते कि कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, पर पल्ला अभी केजरीवाल का भारी है। कैसे भारी है, आपने कैसे तौला? भाई ऐसा है, पब्लिक अब 15 साल से तो देख ही रही है बीजेपी का राज चल ही रहा है एमसीडी में, तो एक बार बदलाव भी बहुत जरूरी है। एक बार बदल के तो देखें कि क्या है, हो सकता हम गलत थे या पार्टी गलत थी, एक बार तो एक को। अच्छा, अभी जो 15 साल का शासन रहा उसमें बीजेपी ने कहा कि पैसे अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिए, इस वजह से विकास का काम प्रभावित हुआ। इस चीज को तो देखो जी, डिपार्टमेंट दे सकता, हम आम आदमी को हमें क्या पता किसने क्या दिया क्या। तो दिया? मैं आपका ही वर्जन पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या महसूस करते हैं इसमें, क्या सच्चाई? इसमें देखो जी, सच्चाई का पता तो चलता ही नहीं है, सच्चाई तो पता चल ही नहीं सकती कभी भी। अच्छा, आरोप प्रत्यारोप है बस। ठीक है जी, तो ये बकरे वाले पहलवान क्यों कहा जाता है? दादा थे कभी, वो बकरे लड़वाते थे, बकरे पालते थे, बांधा रहता था बकरा। अच्छा, तो नाम पड़ गया फिर उनका बकरे वाले पहलवान। अच्छा, मेरी बड़ी इच्छा थी बकरे वाले पहलवान साहब से मिलने की, लेकिन अब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। और मैडम है, मैम आप यहीं रहती हैं? नहीं सॉरी, मैं यहाँ नहीं रहती। क्या आप बोलती नहीं है क्या? हाँ जी, मैं बोलती हूँ। तो आप बताइए, इलाके में दिल्ली नगर निगम की तरफ से काम किया गया, विकास हुआ है, इलेक्शन होने वाला है, क्या चल रहा है? महिलाएं वोट करेंगी या नहीं करेंगी, और करेंगी तो किस मुद्दे पर? आई डोंट नो, मैं अभी बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे अर्जेंटली खुद को कहीं निकलना है। आपने भी अंग्रेजी बोल दी, आई डोंट नो बोला आपने, सॉरी। एक सेकंड। अच्छा, कोई फोन आ गया, ठीक है। अब जरा मिल लेते हैं, एक आखिरी सवाल भाई साहब से। शुभ नाम बताइए। नाम तरुण, तरुण ठाकुर। अच्छा तरुण जी, ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है? माहौल सर, आप किस चीज़ पर पूछना चाह रहे हैं बताइए मुझे। इलेक्शन क्या माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि अब कई पार्टियां अपनी अपनी ताल ठोक रही हैं, प्रचार करने लोग आ रहे होंगे, है ना? हर कोई कह रहा होगा कि बीजेपी का 15 साल का शासन था और फिर वो अपने मौका मांग रहे हैं, तो उसमें एक आम जनता, आप आम जनता के सबसे बड़े मैं कह सकता हूँ कि ऐसे बंदे हैं जिनका हर रोज़ सैकड़ों से पाला पड़ता है वो भी डायरेक्ट, तो क्या माहौल चल रहा है इलाके? सर माहौल तो ये है कि इतने दिन यहाँ पे एक आम आदमी जो मिडिल क्लास का आदमी वो तो परेशान ही रहा, ठीक है, एमसीडी उसे परेशान करती रही, जो 1.5 करोड़ आदमी पटरी पे है दिल्ली में, ठीक है, वो परेशान ही रहा। तो हम तो ये देखेंगे एक नया मुद्दा लेके चुने, समझ रहे आप मेरी बात को? हम तो नया मुद्दा चुनेंगे, हम देखेंगे केजरीवाल को अगर चुनते हैं तो अगर ये भी क्या करता है, सुनाए कि उसकी अच्छाई बहुत सुनी है पहले हमने, पहले इस करके। तो ये देखा आपने, बहुत सारे लोग हैं। एक और भैया, आपसे भी बात कर लेंगे। तो ये बताइए कि माहौल क्या चल रहा है अभी इलाके में? सर इलाके में तो यही चल रहा है कि
केजरीवाल की चर्चा है क्यों क्यों की, क्या नाम है, इसने अभी तक लोगों को विश्वास दिलाया कि करके दिखाएगा। और बीजेपी से हमने ये है, इतने टाइम तक हम बैठे हैं, इतने टाइम से हमने ये देखा, आज आए दिन परेशानी देखी बीजेपी वालों से, कोई राहत नहीं मिली है, हम हो या कोई भी पटरी वालों, किसी को राहत नहीं मिली है। अच्छा जरा देखिए, ये जाम बहुत लगता है, अतिक्रमण की समस्या है क्या सर? जाम जो लगता है वो क्या नाम है, हर किसी किसको क्या हो गया, बैटरी वालों को क्या हो गया या बाइक वालों को क्या हो, किसी को नहीं कह सकते, जाम तो लगना ही है, हर कोई ऐसा एक बराबर है ये समझ लो। तो नारियल पानी का भाव क्या है? नारियल पानी का 60 रुपए का है। 60 रुपए कोरोना काल में कितना बेचा? कोरोना काल में ये 70 रुपए का बिका था ये। अच्छा। है मंडी से, उस टाइम हमारे मार्जिन होते हैं 10 रुपए पीस के मार्जिन होते हैं, 10 रुपए पीस में उसमें पन्नी भी है और वैसे खर्चा भी होता है। अच्छा देखिए, नारियल पानी 60 रुपए का भले ही है लेकिन पूरी दुनिया है ये, अब इसके अंदर जो पानी है वह जनता है, जनता में बहुत सारे लोग खुलकर बताते हैं कि वो क्या करने जा रहे हैं, बहुत लोग नहीं बताते हैं कि वह क्या रखते हैं अपना व्यू, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो जनता चाहती है वही करके मानती है, और यही वजह है कि लाख समझ लीजिए आप बाहर से देखकर पता ही नहीं कर पाएंगे कि इस पूरे नारियल में कितना पानी है। ठीक उसी तरह से एक जनता क्या सोचती है, क्या कहती है, उसी की नब्ज पकड़ने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे थे रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में, और जानने की हमने कोशिश की कि आखिरकार लोगों का मूड क्या है, वह क्या चाहते हैं आने वाले उन नुमाइंदों से जिन्हें वो चुनेंगे 4 दिसंबर को, और मतगणना के बाद वह विजयी साबित होंगे 7 दिसंबर को। तो गौरव गुप्ता के साथ मैं राम किंकर सिंह, दिल्ली तक के लिए आज बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।